हेलो गाइस, वेलकम टू साइड पोके क्लब और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस बार मैं खेलने जा रहा हूँ पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम। ये मेरी कुछ फेवरेट गेम्स में है जो मैंने बहुत सालों पहले खेली थी। मेरी सबसे पहली फेवरेट गेम थी पोकेमॉन प्लेटिनम, और फिर उसके बाद मैंने इसे देखा पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब मैंने गेम खेली हुई है इतने साल पहले, तो अब मैंने सोचा मेरा चैनल है तो क्यों ना इसका एक नज़लॉक किया जाए। तो अगर आपको लोगों को नहीं पता है कि नज़लॉक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस नज़लॉक में कुछ रूल्स होते हैं। एक चैलेंज होता है पोकेमॉन चैलेंज, उस चैलेंज के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर वन ये होता है कि अगर मेरा कोई पोकेमॉन फेंट हो जाता है यानी हार जाता है किसी बैटल में, तो वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है। मैं उसको वापस यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को कोई दूसरा पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा और उसको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। मैं उस पोकेमॉन को यूज़ नहीं कर सकता जो एक बार हार गया है बैटल में। और दूसरा रूल ये है कि मेरा अगर मैं किसी नए राउट पर जाता हूँ, नए रूट पर जाता हूँ, तो वहाँ पे जो घास में या कहीं भी मेरा जो फर्स्ट इनकाउंटर होता है, सिर्फ वो ही मेरा यानी सिर्फ वही पोकेमॉन में पकड़ सकता हूँ। अगर वो मतलब गलती से मैं उसको हरा देता हूँ या नॉकआउट कर देता हूँ या वो कहीं भाग जाता है, तो मैं फिर उस ग्रास में या उस रूट पे मैं दूसरा इनकाउंटर नहीं कर सकता। यानी मैंने उस पोकेमॉन को हमेशा के लिए खो दिया। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं इसमें। और अगर कोई गिफ्ट पोकेमॉन होता है या कहीं पे मेरे को कोई आदमी खड़ा है और उसने मेरे को एक पोकेमॉन दे दिया, वो सब अलाउ है, लेकिन मैं एक राउट पे दो बार इनकाउंटर नहीं कर सकता। और ऐसे ही ये सारे रूल्स बता के ख़त्म करते हैं। अब शुरू करते हैं इस गेम के साथ, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा, थोड़ा सपोर्ट मिलता है यार, अच्छी लगती है। और चलिएगा शुरू करते हैं। तो चलिएगा सब शुरू करते हैं गेम के साथ, लेट्स स्टार्ट। न्यू गेम करते हैं, गेम करते हैं। ये आ गई हमारी प्रोफेसर इस पोकेमॉन गेम की। हाय, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन। माय नेम इज जैन रिसर्च, आई हैव बीन डूइंग रिसर्च। यू आर अ बॉय और गर्ल? ऑफ कोर्स आई एम अ बॉय। ऑल राइट, व्हाट इज योर नेम? तो नया नेम देते हैं, अब लेंगे अपना। तो अब इसमें नाम, अपना चैनल का नाम ही लिखते हैं। इतना स्पेस नहीं है पूरा नाम लिखने का, तो ओके कर देते हैं बस। आगे साइड पोके, अजीब सा नाम लेकिन कोई नहीं, बढ़िया है साइड पोके। यस ओके, You are Side Poke from Yellow Town. तो गाइज, हम आ गए अपने रूम में और यहाँ पे रखा है हमारा PS4। इट्स अ निंटेंडो गेम क्यूब, ऑफ कोर्स निंटेंडो की पोकेमॉन की गेम में PS4 क्यों होगा, निंटेंडो ही होगा। अ गेम बाय एडवांस इज कनेक्टेड टू सर्वर एज द कंट्रोलर। ओके, और ये हमारा रूम, ये हमारा PC, हमारे बेड। चलो, ये हमारी मॉम आ गई। मॉम, हाय साइड पोके, आई एम ग्लैड यू वेक अप। I was waiting to give you a message from Professor Jasmine. She is asking if you will go to the central city sometime. Something strange is happening there involving Alpha. Alpha kaun hai? Alpha, the language only you know because your father taught it to you before he disappeared. Side poke. Okay, mom. Mom, there's one more thing, the clock stopped working and I forgot the time. तो हमेशा टाइम सेट करना पड़ता है इनमें पोकेमॉन क्लब में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या टाइम है, जो मर्जी सेट कर दो। थैंक्स, रिमेंबर टू गो टू सेंट्रल सिटी टू मीट प्रोफेसर जैस्मिन, शी इज़ वेरी हेल्पफुल टू एवरी वन। सेट पोके, येस आई एम ऑन माई वे। मॉम, सी यू लेटर इफ यू नीड मी,
आई विल बी डाउन स्टेयर्स. ओके थैंक यू मॉम. अब बाहर चलते हैं. अब हैं हम येलो टाउन में. क्या हो गया, ये कौन आया उड़ के? मिस्टीरियस पर्सन. हेलो फ्रेंड, दिस इज साइड पोके'स हाउस. यस साइड पोके, यस दैट्स मी. गुड, प्रोफेसर जैस्मिन आस्क मी टू कम एंड गेट यू बिकॉज शी अर्जेंटली नीड्स योर हेल्प इन सेंट्रल सिटी. साइड पोके, आई वॉज ऑन माई वे जस्ट नाउ. आई एम ऑलवेज फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम काओरी. काओरी, यस द करंट चैम्पियन ऑफ द सेरी लीग. I am a close friend of Professor Jasmine and she asked me and a few of my friends to urgently look into this giant mystery. She thinks it may be linked to the world's creation. Very interesting. Let's get there. There as fast as we can. Salamence will take us there right now. Salamence, use fly. तो हम सेलेमेंस में बैठ के जा रहे हैं प्रोफेसर जैस्मिन के बाद, जिस पे कोई क्रिएशन की बात हो रही है. तो हम पहुंच गए साइड पोके. देयर मस्ट बी क्लोज टू द लेक इन द सेंट्रल ऑफ द सिटी. लेट्स गो. तो हम लेक में जा रहे हैं. लेक में देखें क्या मिस्ट्री चल रही है. लेक, ये लेक है? लेक तो सूखी पड़ी है. Professor Jasmine, hello. Sidewalk, I ask for help from Ash Ketchum. Ash Ketchum, oh ho, khud legendary superhero hamare saath hai. And Kaori for this study because it's a very hazards. If something goes wrong, everyone on this planet will be in danger. I will be careful, Professor. Ash Ketchum. Hi. I am a current world champion of the Pokemon League. And Kaori is the champion of Zeri. Zeri. Pata nahi kya ajeeb sa naam hai. Zeri. I already know how you and Kaori are. I already know who you and Kaori are. I have been seeing you on TV all my life. अच्छा तो हम बोल रहे हैं ऐश कैचम को हमने देखा हुआ है. प्रोफेसर जैस्मिन, ओके साइड पोके, आई कॉल यू हियर टू डिसिपेयर दीज एंशिएंट, टू डिसिफर दीज एंशिएंट इंस्क्रिप्शन रिटन इन द अल्फा लैंग्वेज. अल्फा कोई बंदा नहीं है कहीं, कोई करेक्टर नहीं है, लैंग्वेज है. यहाँ एक लैंग्वेज है अल्फा. साइड पोके, डॉट 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 डॉट. Wow, this inscription talk about the creation of the universe. It was made by Arceus, who created the other Pokemon along with the rest of the existence. But it seems that the balance of his power will gradually be broken and the world will pass through time, difficulty and dangers for humanity. Professor Jasmine chup ho gayi. Ye bhi shant ho gaya. ऐश कैचम, उसकी बोलती बंद हो गई. इट्स रियली इज इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर दैट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड बिफोर इवल फोर्स डिस्कवर इट्स पावर. काओरी, ओके प्रोफेसर, आई विल डिस्ट्रॉय दिस ओल्ड डॉक्यूमेंट नाउ. इम्पोलियन, आई चूज यू. इम्पोलियन, यूज हाइड्रो पंप टू डिस्ट्रॉय दिस राइटिंग नाउ. Impoleon, use rain dance. Impoleon, the rain dance. अच्छा, लेक भरने के लिए, छुपाने के लिए. लेकिन डिस्ट्रॉय तो कर दिया, फिर लेक भरने की क्या जरूरत है. ओके गुड जॉब, रिटर्न Impoleon. प्रोफेसर, नाउ आई हैव टू डील विद द Zeri लीग इश्यूज. Zeri, पता नहीं क्या नाम है, जहरीला सा नाम है. Ash Ketchum and Sidewalk, I did you fireball. I did you farewell. Salamence, use fly. I will go now too. Goodbye, Professor. If there are any problems, let me know immediately. Okay. I will know. I will give you a call, boy. Phone kar dungi main.
ये कौन आया? वेल वेल प्रोफेसर, आई वॉज राइडिंग फॉर दोज टू स्ट्रॉन्ग, आई वॉज वेटिंग फॉर दोज टू स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स टू गो अवे सो दैट आई कुड फोर्स यू टू गिव मी द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स क्रिएशन. यू विल नेवर लर्न इट. प्रिपेयर टू फेस द फ्यूरी ऑफ स्टीम, टीम स्टीम, गो पुचियाना. अब हमें क्या शायद पोकेमोन मिलने वाला है? हे साइड पोके, टेक अ पोकेबॉल फ्रॉम माय बैग एंड यूज इट टू फाइट टीम स्ट्रीम. जैस्मिन, क्विकली साइड पोके, गेट वन ऑफ दोज पोकेबॉल्स. ओके, अब हमें चूज करना है. लिजर्ड पोकेमोन चार्मेंडर, बल्बासोर. अच्छा, ये तो ऑफकोर्स सी बात है, हम चार्मेंडर ही लेंगे. सबसे बेस्ट पोकेमोन है वो, एक नज़लॉक के लिए बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है. वैसे अभी नज़लॉक शुरू नहीं हुआ है. नज़लॉक तब शुरू होगा जब मेरे को प्रोफेसर के, जब मैं प्रोफेसर के लैब में जाके पोकेबॉल्स ले लूँगा तब मेरा असली नज़लॉक शुरू होगा. अभी तो ये सब कुछ पहले का है. फाइट करेंगे, स्क्रैच यूज़ कर, चार्मेंडर यूज़ स्क्रैच. हमारा लेवल 5 का है, कोई नहीं, फिर भी कम डैमेज कर रहा है. यूज़ स्क्रैच. चार्मेंडर गेन 15 XP. अच्छा, 15 XP लिया बस. ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? वेल प्रोफेसर, दिस टाइम यू वेर लकी, बट नेक्स्ट टाइम आई विल किडनैप यू एंड फॉर दिस दिस पॉइंट ऑन साइट वोके इज ऑन टीम स्ट्रीम हिट लिस्ट. ओके, इसका एक छोटा सा एम्प्लॉय मेरे को धमकी देके जा रहा है. थैंक यू वेरी मच, बट नाउ टीम स्ट्रीम विल बी आफ्टर यू. So I will give you this Pokemon to protect yourself. Take care and train hard to challenge the Zerg League. And always be ready to fight Team Steam. Side Poke got a Charmander. Okay, Charmander hamara. Do you want to give your new Pokemon a nickname? Aur main ek aur baar batana bhul gaya ki agar jo bhi Pokemon tumne pakda hai उसको निक नेम देना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन बनता है. ऐसा ही कुछ एक रूल है इसमें, तो निक नेम देना ज़रूरी है अगर दे सकते हो तो. तो इसको हम देंगे, क्या नाम दें? कोल नाम देते हैं इसको, कोल. ओके साइड पोके, लेट्स गो बैक टू माय लैब इन येलो टाउन. तो हमें प्रोफेसर के लैब है. अब जैसे ये मेरे को पोकेबॉल देगी तब मेरा असली नज़लॉक शुरू हो जाएगा. हाई साइड पोके, वेलकम टू माय लैब. थैंक्स प्रोफेसर, आई एम रेडी टू हेल्प यू नाउ. ओके, नाउ दैट यू हैव योर फर्स्ट पोकेमॉन आई थिंक यू शुड ट्रेन टू बिकम अ पोकेमॉन मास्टर बाय चैलेंजिंग द ज़ेरी लीग एंड इट्स 8 जिम्स. Yes, I have dreamed of this all my life and now I will make my dreams came true. Right, but first I have one last request for you. Request of you. To the east of Central City lies Light. To the east of the Central City. To the east of the central city lies Murphy Lake. Professor Oak is at the lake and I urgently need to speak with him. Can I ask to give him to contact me? Okay, I will go right away. ठीक है, तो अभी इसने शायद नहीं दिए पोकेबॉल, अभी पोकेबॉल नहीं दिए इसने, अभी हमारा पोकेबॉल शुरू नहीं हुआ है. अभी मेरे को सेंट्रल सिटी के राइट में जाना है, तो अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, तो हम कुछ भी कितने भी इनकाउंटर कर सकते हैं. बग कैचर जो ही कैटरपी, ये ट्रेनिंग अच्छी है हमारी, इसके ट्रेन हो जाएगा. बस जल्दी से एम्बर लर्न हो जाए इसको, एम्बर.
a critical hit. Come on. String shot. एक को तो हरा गया, पता नहीं कितने पोकेमोन थे। यस, लेवल अप हो गया। पता नहीं एम्बर कब सीखता है। चार, वो तीन पोकेमोन और है अभी इस पे। वेनिपीड, अबे यार, अबे रोल आउट तो नहीं, अभी से हार जाएगा। वैसे भी स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको नहीं हराऊंगा तो आगे कैसे जा पाएंगे। बस हार गए हो। वापस अपने घर में आ गए अब। बहुत बढ़िया। सम पोकेमॉन्स ओनली इवॉल्व विद द हेल्प ऑफ आइटम्स लाइक इवोल्यूट इवोल्यूशनरी स्टोन्स टेक वन सो यू कैन इवॉल्व एनी पोकेमॉन दैट यू वांट। अच्छा, ये स्टोन दे रहा है, थंडर स्टोन, बढ़िया है। अगर पिकाचू पकड़ा तो उसको इवॉल्व कर सकता हूँ मैं, या फिर ईवी को। हाँ, ये जो है ना प्रोफेसर लैब की ऊपर जाके, हाँ यहाँ पे शायद, हाँ ये रहा ये रहा, यहाँ पे एक पोकेमोन था, वो पता नहीं कौन सा था, इनसाइड एलिकिड। यहाँ पे एक एलिकिड मिलता है, ठीक है, एक एलिकिड भी मिल गया, थोड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। अब वो बग पोकेमोन में जल्दी से आउट कर देंगे, नॉकआउट कर सकते हैं। जब तक एम्बन ग्लैंड करता है तब तक बेकार है चार मेंटर। इसमें और तो हरा के रहूंगा, दो दो पोकेमोन है अब मेरे पास। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ प्रोफेसर ओक के पास। तो सी गोल्ड, इसके साथ गोल्ड खड़ा है। गोल्ड अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो पोकेमोन, ये पोकेमोन डायमंड पर्ल्स में जो बंदा होता है उसका नाम गोल्ड होता है। तो प्रोफेसर ओक बोल रहे हैं सी गोल्ड फीबेस आर इन सीजन, फीबेस का सीजन है। दे अपीयर्ड बाय द थाउजेंड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर ऑल दो They really attack people and really appear at once another time. Very interesting, Professor. Thanks for the tip. I think I will try to catch one. भाई कितनी सारी फीवेस हैं, कैसे उसे ले पाने। Wow, amazing performance, Professor. I will fall in love with these Pokemon. I will catch one right now. Go Pokeball. तो गोल्ड ने वैसे सीधा Pokeball फेंक के फीबेस कैच पकड़ ली है। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। Now I captured a फीबेस. It looked like a good Pokemon. What? This फीबेस is attacking me. Professor, I will save you. Side Poke. अच्छा हम बोल रहे हैं Professor, I will save you. हम बचाएंगे प्रोफेसर को धीरे धीरे चल के। तो हम पकड़ सकते हैं इसे, हाँ। लेकिन तो एक ये बात है कि अब हम इस फीवेस को पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसे पकड़ा तो वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि अभी तक नज़लॉक शुरू नहीं हुआ है। मैं कुछ भी पकड़ नहीं सकता हूँ। नज़लॉक शुरू तब होगा जब मेरे को जो प्रोफेसर जैस्मिन है वो मेरे को पोकेबॉल दे देगी, तभी शुरू होगा। इसलिए मैं अभी इसको पकड़ूंगा नहीं। गो एलिकेट, बस एक्सपीरियंस के लिए हरा देता हूँ। सही है, दो शॉट। लेवल सेवन, यस हो गया लेवल सेवन। थैंक यू। इट साइड पोके, प्रोफेसर जैस्मिन आस्क मी टू टेल यू दैट शी इज डूइंग इम्पोर्टेंट रिसर्च ऑन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड नीड योर हेल्प। शी वॉन्ट टू शो यू
show you her results. She's in her lab in Yellowtown. Thank you, Sidepoke. I will head there right away. Oh, this is my assistant, Gold. Nice to meet you, Sidepoke. You look like a skilled Pokemon trainer. I hope I will face you myself someday. I will say the same thing to you. Well, I will be on my way now. Thanks, Sidepoke. Goodbye. ठीक है, गुड बाय प्रोफेसर ओक। तो अब शायद हमें भी वापस जाना है उसकी लैब में। यहाँ पे कुछ आइटम है, ये शायद वाटर स्टोन है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस अब शायद हमें शायद वापस जैस्मिन की लैब में जाना है, प्रोफेसर जैस्मिन की लैब में। तो सीधा वहीं पे मिलते हैं, बाय। तो गाइस अब हम आ गए हैं प्रोफेसर जैस्मिन की लैब के सामने, तो चलिए अंदर चलते हैं। उफ, यहाँ पे क्या है अब, तो प्रोफेसर जैस्मिन से बात करनी है अब हमें। ये आ गए हमारे प्रोफेसर ओक। हाय प्रोफेसर ओक, वेलकम टू माय लैब। थैंक्स प्रोफेसर जैस्मिन, साइडपोके टोल्ड मी आई हैड टू कम हेयर क्विकली, सो आई एम हेयर टू लर्न अबाउट योर रिसर्च। यस प्रोफेसर, With Sidepoke's help, I have been studying ancient writing about the creation of the universe. They said that the Arceus created the world and all the Pokemon. Incredible! This is actually related to my latest research in the Pokemon DNA. It seems all species have the same small trait in common. Yes, Professor, right now that's all I know. I will send you the full document on a CD. Professor Jasmin, I am going to my research center in Zuri Central City Radio Tower. Let me know immediately if you have any problems. Okay. तो प्रोफेसर ऑफ चले गए अपने टावर में, क्या ब्रॉडकास्टिंग टावर, पता नहीं कौन सा टावर था। गुड जॉब साइड पर, आई हैव रजिस्टर्ड यू इन द जहरी लीग। नाउ यू कैन फाइट द जिम लीडर एंड बिकम अ पावरफुल ट्रेनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड टेक केयर, टीम स्ट्रीम विल बी स्टिल बी आफ्टर यू। प्रोफेसर, बिफोर यू लीव, हियर्स अ लिटिल गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम मी। ओ पोकेबॉल। तो गाइस अब हमें पोकेबॉल्स मिल चुकी हैं, तो अब हम अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं जो है नज़लॉक का सफ़र। तो मैं अपना नज़लॉक वाला सफ़र यहीं पे अपना फर्स्ट इनकाउंटर करके ख़त्म कर दूंगा। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये चलते हैं, कैप्चर मैनी पोकेमॉन्स, गुड लक ऑन योर जर्नी। यस, बोलने में ही नहीं आ रहा था वर्ड, यानी क्या बोल रहा था मैं, जर्नी। तो गाइस ये है राउट 401, और ये अब जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा पहला इनकाउंटर। तो उसके पहला इनकाउंटर के बाद ही मैं अपना एपिसोड ख़त्म कर दूंगा। तो देखते हैं हमारा पहला इनकाउंटर क्या होगा, कोई कुछ बढ़िया हो क्या होगा। ओके, अ वर्मपल, एक वर्मपल। तो चलो गाइस कुछ नहीं, अब जो भी है वो तो है ही, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। तो एक वर्मपल पकड़ लेते हैं अब यही हमारा एक नया पोकेमॉन है, थर्ड पोकेमॉन हमारा। फाइट करने का तो मतलब नहीं बनता क्योंकि एक ही शॉट में हाथ है भाई, वो रिस्क नहीं ले सकता मैं, इसे डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक के देखता हूँ। ज़्यादा वेस्ट मत कराइयो पोकेबॉल। अबे यार, तीन शेक के बाद भी बाहर आ गया इसको, क्या पैरालाइज भी नहीं, लियर कर सकता हूँ मैं लियर, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे बस इसकी अवेयरनेस कम हो जाएगी, डिफेंस कम हो जाएगा। सॉरी, स्लिंग शॉट, स्पीड, यार वैसे बहुत कम पोकेबॉल है पकड़ में आ जाए। नहीं अब तो भाई हिला भी नहीं, यार अब ये तो खतरा हो गया। अब मैं पहले, वैसे अगर इसको हम खो भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो पोकेमॉन हैं और दूसरा राउट थोड़ा आगे जाके ही है, तो हम दूसरा इनकाउंटर कर सकते हैं अपना। लेकिन दूसरा पोकेमॉन ट्राई करता हूँ, चार्मेंटर के पास कुछ होगा। और एलिकेट को मैं नाम नहीं दे पाया क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं आया।
फिर से स्ट्रिंग शॉट ग्राउल एम्बस्टो स्क्रीन ग्राउंड से इसका अटैक कम हो जाएगा और इसको स्मोक स्क्रीन से एक्यूरेसी कम हो जाएगी इसकी। स्क्रैच करके देखें लेकिन यार 15 लेवल का है नहीं। अरे शिट तो हमारा पहला एनकाउंटर गया। वैसे भी वो इतना कुछ खास नहीं था, वर्ल्ड मेरे को चाहिए भी नहीं था। तो अभी हम आ गए हैं सेंट्रल सिटी में और यहाँ पे लेफ्ट में जाके जहाँ मैं प्रोफेसर ओक से मिला था वहाँ मेरे को अपना एक नया एनकाउंटर मिल सकता है। तो वहाँ चलते हैं, यह नया राउट है ना मैन, तो शायद ये भी नई जगह है तो ये नया राउट ही होगा। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या मिलता है। वो एक क्रोगंक भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन लेवल 2 का है यार, फिर से लेवल 2 का है। सिर्फ पोकेबॉल फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम, तो ट्राई मार के देखते हैं। और ये सीधा पहले ही शॉट में बाहर, आ जा पोकेबॉल में यार, एक पोकेमॉन तो आ जाए। अबे यार इसको हम कुछ नहीं कर सकते, एक क्विक अटैक मार के देखते हैं। हार ना मत, हाँ यस बच गया। अब मेरे पास बस, चलो बढ़िया पैरालाइज भी हो गया अभी, अब मेरे पास बस एक ही पोकेबॉल बची है, इसमें आ जाना चाहिए बस। दो तीन, अबे यार आते आते रह गया। चलो इसको तो अब पोकेबॉल बची नहीं है, इसको तो मारना ही पड़ेगा। तो गाइस ये थे हमारे दो इनकाउंटर, लेकिन दोनों के दोनों फेल हो गए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो पोकेमॉन हो चुके हैं अभी और इस रूट के हिसाब से काफ़ी हाई लेवल के भी हैं। तो गाइस आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो, इन्जॉय करिए तो, और प्लीज़ सपोर्ट करो यार, अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, पीस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।